आज हम बात करेंगे गेगर मार्स्टन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी एक्सपेरिमेंट का देन है कि ये जो एटॉमिक मॉडल है, इसका कॉन्सेप्ट लोगों के सामने क्लियर हुआ, ज्यादा क्लियर हुआ। इसका सिग्निफिकेंस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि उस दौरान और उससे पहले लोग क्या मानते थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो लोग ये माना करते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा स्पेस अक्वायर करके रखता है, और इसी के चारों तरफ या इसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सो निगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर यहां से चिपका हुआ रहता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, और चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है पहली बार जे जे थॉम्सन ने दिया था, तो इसे थॉम्सन मॉडल भी कहा जाता है। सो हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल और साथ साथ थॉम्सन मॉडल भी कहते हैं, थॉम्सन मॉडल। सो प्लम पुडिंग मॉडल, सो ये माना जाता था पहले। ये जो आप देख रहे हैं ये है निगेटिव चार्ज। सो ये निगेटिव चार्ज है, और इस मॉडल के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे स्पेस को अक्वायर कर रखा है। सो पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरा का पूरा स्पेस अक्वायर कर रखा है। सो ये था थॉम्सन मॉडल, जो कि उस दौरान लोग माना करते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, एटम का मॉडल ऐसा नहीं है, कुछ और है। तो कुछ और क्या है, इसे समझने से पहले चलिए देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था, और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम के हिसाब से कैसे हमने ये समझ लिया कि ऐसा मॉडल, थॉम्सन मॉडल एटम का नहीं हो सकता है। तो ये है उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप। यहां पर आप जो ये देख रहे हैं, ये एक कलेक्टर है और कुछ नहीं है, और यहां पर ये है सोर्स, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अंदर। आगे यहां पर जो फेस हमें नहीं दिख रहा, उस फेस में एक छेद है, उस छेद से अल्फा पार्टिकल बाहर की तरफ निकलेगा। और यहां पर देखिए एक छोटा सा स्लिट है, खाली जगह है, जहां से कि अल्फा पार्टिकल इस तरह से बाहर निकल जाएगा और पीछे जाके यहां पर इस शीट से टकराएगा। ये एक गोल्ड लिफ है, बहुत पतला गोल्ड लिफ है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये है गोल्ड शीट, बहुत ही पतला गोल्ड शीट। ये कितना पतला है, इसका अगर थिकनेस आप देखें तो ये थिकनेस है बहुत कम, 2.1 × 10⁻⁷ इतना मीटर, 10⁻³ मीटर जो है ये एक मिलीमीटर होता है। तो आप अगर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो आप पाएंगे ये होगा 2.1 × 10⁻⁴ मिलीमीटर। तो समझने के लिए आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये है 21 × 10⁻⁵, सो 21 / 1, 2, 3, 4, 5, 21/100,000 इतना मिलीमीटर। सो ये बहुत पतला शीट है। अब होता यह है कि इंसिडेंट करता है अल्फा पार्टिकल्स यहां पर इस शीट में, और ये स्कैटर कर जाता है। उस स्कैटरिंग के रिजल्ट से ही हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं रेडिएशन कैसे जाएगा। यहां से रेडिएशन इस तरह से फॉल करता है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। उसका बीम है, अल्फा पार्टिकल बीम है। ये इंसिडेंट करता है, और इंसिडेंट करने के बाद ये स्कैटर कर जाता है इस तरह से। और जो रिजल्ट में पाया गया इस एक्सपेरिमेंट में, वो रिजल्ट ये है कि सबसे पहले ये पाया गया कि जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स है, सबसे पहले तो समझ ले 0.14% कितना हो सकता है, 10,000 में से 14, सिर्फ 14 10,000 में से।
10,000 में से सिर्फ 14 पार्टिकल जो है वो एक डिग्री से ज्यादा डेविएट करता है, मतलब 10,000 में से 9,986 अल्फा पार्टिकल जो है वो लगभग बिना डेविएट किए ही आगे बढ़ जाता है। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है इस तरह से इस बीम से आगे बढ़ते हुए बिना डेविएटेड हुए ही इंसिडेंट कर जाएगा पीछे स्क्रीन में या कलेक्टर में। बहुत बहुत कम, इतना बहुत कम वो डेविएट करता है एक डिग्री से ज्यादा। और भी ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 0.0125% पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल, सब इसका इस परसेंटेज का मतलब भी समझ ले, 8,000 में से सिर्फ एक। सो इतना कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट किया। इस फिगर में देखे एक वैसा दिखाया गया है पार्टिकल जो कि ये वाला है। तो मतलब क्या निकला इससे? मतलब यही निकला कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड आगे बढ़ गए। अगर ये प्लम पुडिंग मॉडल सही होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक एटम के सारा स्पेस को अक्वायर कर रखता है, तो फिर सारे के सारे जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां इंसिडेंट कर रहा है सारे के सारे रिबाउंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ, ज्यादातर पास कर गया। तो ज्यादातर जब पास कर गया इस गोल्ड शीट को, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा खाली जगह है एटम में। सो कंक्लूजन ये निकला कि एटम ज्यादातर खाली है और पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का जो रीजन है जिसे कि हम बाद में न्यूक्लियस कहने लगे, ये बहुत छोटा होगा। ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, इसीलिए तो ज्यादातर यहां से पास कर जा रहा, वरना न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज रीजन है वो अगर बड़ा होता, एटम जैसा उसका साइज होता जो कि प्लम पुडिंग मॉडल कह रहा है, तो फिर अल्फा पार्टिकल पास कैसे करता? उसे जगह कहां से मिलता पास करने का? उसे तो रिपेल कर देता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल है हीलियम का ही आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये तो रिपेल्ड हो जाता न्यूक्लियस से। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर एटम जो है वो खाली होता है, और हमें आज पता भी है ये। सो ज्यादातर मास जो है वो कंसेंट्रेटेड है एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन में, जिसे कि हम अभी कहते हैं न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था कि जो न्यूक्लियस है वो तो बीच में है ही, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं हो सकता है, स्टैटिक नहीं हो सकता। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये अगर ये रिवॉल्व नहीं कर रहा हो तो होगा ये कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है ये तो इसे अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ सट जाएगा, और सट गया तो फिर ये प्लम पुडिंग मॉडल आ गया, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि खाली जगह चाहिए होगा इन अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड शीट को पार करने के लिए। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चारों तरफ घूम रहे हैं इस न्यूक्लियस के। तो ये था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का आउटकम। आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये जो मॉडल है जिस मॉडल पे अभी हम बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल जिसे कहा जाता है, इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं। ये सही तो है, गलत नहीं कहा जाता इसे, ये सही है, लेकिन ये कुछ हद तक सही है। इससे भी बेहतर मॉडल है बोर्स मॉडल, जो कि इसके ड्रॉबैक्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। तो आगे के वीडियोस में हम बोर्स मॉडल में बात करेंगे और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।